दंताघात विदारिता रुद्रे सिंदूर सौभाकरं वंदे शैलसुता गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। पार्श्व ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्श्व ज्योतिर्विज्ञान का उद्देश्य सभी दर्शकों को अध्यात्म की विभिन्न विधाओं द्वारा लाभान्वित करने का है तथा आज हम आप सभी लोगों के लिए कन्या राशि का अगस्त माह का फलादेश लेकर आए हैं। कन्या राशि की विशिष्ट स्थितियां जो है वह प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, जिससे अधिक लोग हमारी वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें तथा हमारा चैनल पार्श्व ज्योतिर्विज्ञान सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सकें। इस महा विशिष्ट स्थिति यह है कि वीडियो के अंत में कन्या राशि को इस माह में होने वाली समस्याओं से निवृत्ति के लिए बहुत ही उत्तम उपाय बताए जाएंगे, जिसे आप थोड़े समय में घर बैठे कम व्यय के साथ कर लाभान्वित हो सकते हैं तथा अपनी समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कन्या राशि का इस माह का राशिफल। कन्या राशि के जातकों को इस माह में चतुर्थ स्थान में शनि तथा केतु का योग बना है, जो कि धनु राशि में स्थित है। सप्तम दृष्टि से राहु तथा बुध को दशम स्थान में स्थित देख रहे हैं। कन्या राशि के जातकों का यह माह बहुत उत्तम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्यों को यह पूर्णतः छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखने वाला योग है। तृतीय स्थान में बैठा बृहस्पति आपके पूर्ण अनुभव का प्रयोग कराएगा तथा अनुभव से आपसे कार्य कराएगा, परंतु अनुभव झूठे हो जाएंगे। यह सत्य नहीं है कि आपका अनुभव गलत होगा, परंतु यह अवस्था ही ऐसी है। एकादश स्थान पर सूर्य शुक्र तथा मंगल का योग बना हुआ है, चतुर्थ ग्रही योग है, धन प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। भाग्य प्रशस्त होगा क्योंकि नवम का अधिपति एकादश में स्थित है। भाग्य में उन्नति होगी, भले ही कार्यों में त्रुटियां प्रदर्शित हों, परंतु यह त्रुटियां स्थिति के कारण होंगी, आपके अनुभव तथा आपके अनुसार नहीं होंगी। यह आपसे संबंधित और लोग भी जानते हैं कि इसमें आपकी कुछ भी त्रुटि नहीं है। लग्न का अधिपति दशम में स्थित है, परंतु राहु के साथ अवस्थित होने के कारण कुछ मनोदशा निम्न हो सकती है, परंतु कार्य आदि का प्रभाव अपनी मनोदशा पर न पड़ने दें। द्वितीय धन का अधिपति एकादश में स्थित है। भाग्य का अधिपति और धन का अधिपति दोनों शुक्र ग्रह है। एकादश में स्थित होना आपको अवश्य ही धन लाभ प्रदान करेगा। माह के प्रारंभ में ही चंद्रमा और सूर्य के साथ बना रहा योग आपको धन की उत्तम अवस्थाओं तक लेकर जाएगा। द्वादश स्थान का अधिपति सूर्य एकादश में स्थित है। यह जितना धन आपको प्रदर्शित हो रहा है, भौतिक सुखों में भी उसी प्रकार वह होगा। वाहन आदि में व्यय कर सकते हैं। चिंता पूरे माह बनी रहेगी, क्योंकि नवमांस में मेष राशि का लग्न है और मेष राशि में ही राहु अवस्थित हैं। सप्तम स्थान में केतु शुक्र और शनि स्थित नवमांस में हैं और लग्न में सप्तम स्थान का अधिपति बृहस्पति तृतीय में स्थित है। पत्नी को चिंता रह सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी निंदा आ सकती है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के बच्चे, उनको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि परिश्रम में आप न्यूनता रखेंगे तो इस माह फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इस माह में विशिष्ट परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए यह माह कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ अच्छी स्थितियां प्रदर्शित करेगा।
कन्या राशि के नौकरी पेशा वाले लोग जो जॉब के कार्य क्षेत्र में हैं, उन लोगों को इस माह बोनस प्राप्त हो सकते हैं, आय में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। कन्या राशि के जातकों को इस माह जो समस्याएं प्रदर्शित हो रही हैं, उनसे निवृत्ति के लिए कन्या राशि के जातकों को बुध मुद्रा का प्रदर्शन, ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन तथा वैराग्य मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 21-21 मिनट करना चाहिए। इसे आप निरंतर भी कर सकते हैं, अलग-अलग समय भी कर सकते हैं तथा थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट अब किया, 5 मिनट उसके पश्चात किया, 1 घंटे बाद किया या 2 घंटे बाद किया। इसके साथ ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः, यजुर्वेद की इस ऋचा का प्रथम पाद, ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करिए। भगवान शंकर को केसरयुक्त जल के साथ में बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। आपकी यह समस्या, कार्य से संबंधित समस्या निवृत्त हो जाएगी। धन्यवाद।